बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द न्यू चैप्टर इज़ बायो एनर्जेटिक्स। पहले हम बायो एनर्जेटिक को डिफाइन करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स जो कि है ये कंपोज ऑफ टू वर्ड्स, पास्ट बायो मीन्स लाइफ एंड एनर्जेटिक मीन्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी या इट्स नेचुरल रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन विद इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम या द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। सो वी अनदर डिफिनीशन ऑफ जो बायोएनर्जेटिक्स का जो है कि है द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्राम वन पॉइंट टू अनदर एंड स्टोरेज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन द लिविंग सिस्टम आर ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। या तीसरा डिफिनीशन जो कि है बायो एनर्जेटिक इज द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट इज कंसर्न विद द एनर्जी फ्लो थ्रू द लिविंग सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? बायोएनर्जेटिक्स इज द एक्टिव साइड्स ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी दैट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सेलुलर प्रोसेस। बायोएनर्जेटिक्स जो कि है इसमें है जो कि ये है इसमें एक बायोलॉजिकल स्टडी का एक साइड जो कि है और बायोलॉजिकल स्टडी है ये एक्टिव साइट बेसिकली साइट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है और इसमें एनर्जी जो कि है वो फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आर यूटिलाइज आर स्टोरेड इन ए केमिकल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी दैट लीड टू द प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें एनर्जी स्टोर्ड होते हैं या यूटिलाइज्ड होते हैं। जब वो यूटिलाइज होते हैं इसमें एनर्जी रिलीज होते हैं और फिर इस्तेमाल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जब एनर्जी स्टोर्ड होते हैं एनर्जी की खास प्रोसेस के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर प्रोसेस। इसमें सेलुलर प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि है फोटोसिंथेसिस। इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज एनर्जी फॉर देयर फंक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल्स है और यू एनर्जी यूज़ करते हैं फॉर देयर परफॉर्मिंग फॉर देयर बेस्ट फंक्शन। द सेल ट्रांसफर एनर्जी फ्राम देन दी सेल्स ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी फ्राम वन पाम टू अनदर। ये एनर्जी सेल से एक पाम से दूसरे पाम तक चली जाती है यानी कन्वर्ट होती है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है फ्राम वन पाम टू अनदर। फॉर एग्जांपल में कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी होती है या कन्वर्जमेंट ऑफ एक केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल जो कि है प्लांट जितने भी यूनिवर्सिटी प्लांट यूज एनर्जी एंड ट्रांसफर इनटू द केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो कि है वो डायरेक्टली सनलाइट एनर्जी यूज़ करते हैं फ्राम द एनवायरनमेंट से बाय अ प्रोसेस जो कि एक खास प्रोसेस थ्रू केमिकल प्रोसेस है। इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एंड दिस एनर्जी जो कि ये सोलर एनर्जी के हो ये दे जो है दिस एनर्जी इज देन ट्रांसपोर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड रेस्पिरेशन। ये एनर्जी जो कि है फिर हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में एनर्जी जो कि है वो इस्तेमाल यूटिलाइज होती है हम मुख्तलिफ पर्पजेस या काम के लिए जो कि इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये मैकेनिकल एनर्जी जो कि है इसे हम इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल यानी मैकेनिक से निकला है इन स्पायरिस में हम काम वर्क करते हैं। सो थैंक्स दैट्स द एनफ ऑफ दिस टॉपिक।